हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये कार्बन रेसिंग का, ये मैंने डोमिनर का ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर ऑर्डर किया था, ये आज डिलीवर हो गया है। तो ये मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है, ये इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी आ जाएगा। ये डोमिनर का ही NS में इंस्टॉल करने वाला है, इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये कार्बन रेसिंग से ऑर्डर किया है ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने परचेस किया हुआ है, ओपन करके दिखाया जाता। और ये डोमिनर 2017 मॉडल का है, ये ओल्ड मॉडल का है, ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर। ये वो साइड स्टैंड एक्सटेंडर बॉक्स दिखाया जाता हूँ, बॉक्स खाली है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। पैकिंग सही है। और ये है वो साइज स्टैंड एक्सटेंडर डोमिनर का 2017 मॉडल का। न्यू मॉडल में तो डिफरेंट टाइप का साइज स्टैंड आता है, इसे भी ओपन करके दिखाया जाता हुआ आपको। अगर आपको ये परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दिया हुआ है, आप परचेस कर सकते हैं। ये 2017 मॉडल का डोमिनर का ये एक्सटेंडर है, ये NS में भी लग जाएगा, पर आपको थोड़ा ऑल्ट्रेशन करना पड़ सकता है। ये वही टेस्टिंग के लिए मैंने परचेस किया हुआ है, ये देख सकते हैं, अच्छा ग्रिप मिलेगा इसमें। और ये अगर जो अनइवन सरफेस होगा उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करेगा ये, तो नॉर्मल स्टैंड कैसा मिट्टी में अंदर धंसने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा ये, इसमें ग्रिप भी दिया हुआ है देख सकते हैं ये। और इसका सरफेस काफ़ी बड़ा है, तो एकदम ये बढ़िया करके स्टैंड होगा ये। ये कार्बन रेसिंग से डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था, मैं आपको ये ओपन करके भी दिखाता हूँ 4 LM की। इसमें 2.5 का LM की लगेगा, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। स्टेनलेस स्टील का स्क्रू दिया हुआ है इसमें, जो कि इसमें रश नहीं लगेगा कभी। और ये फुल्ली एल्यूमिनियम है ये, देख सकते हैं ऐसा कुछ है। और NS का भी जहाँ तक ऐसा ही स्टैंड है, NS BS6 का, ये आ जाना चाहिए इसमें। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा ऑल्ट्रेशन करना पड़ सकता है। और ये फुल्ली एल्यूमिनियम का है ये, और इसका कवर भी एल्यूमिनियम का है, बस इसके ऊपर पाउडर कोटिंग किया हुआ है। ये देखिए पूरा फुल्ली एल्यूमिनियम है ये। और ये जब भी इंस्टॉल करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें थ्रेड लॉक ज़रूर यूज़ करिएगा, तो ये निकलेगा नहीं तो ये नट बोल्ट ढीले भी हो सकते हैं। वैसे मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो तो बनाने ही वाला हूँ, उसमें थ्रेड लॉक भी मैंने परचेस किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा। ये ऐसा कुछ है ये स्टैंड एक्सटेंडर, ये 2017 मॉडल डोमिनर का, ये NS में भी लग जाएगा। ये नहीं लगेगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, लगेगा या नहीं लगेगा, इसका इंस्टॉलेशन का भी वीडियो आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसी बढ़िया बढ़िया अनबॉक्सिंग मॉडिफिकेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।